हाथरस कांड में एक और सीबीआई घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है, सबूत जुटा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पीड़िता के पिता और माता की तबीयत खराब हो गई है और इसलिए दोनों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। उनके साथ परिवार का एक सदस्य भी है। वहीं भाई को घटनास्थल पर ले जाया गया जहां पर सीबीआई टीम मौजूद है। गौरतलब है कि पीड़ित का परिवार सोमवार रात को ही लखनऊ से हाथरस वापस लौटा था। पीड़िता के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उनका बीपी बढ़ गया। हालांकि उन्होंने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया था। इस पर सीएमओ ब्रजेश राठौर गांव में पहुंचे और उनसे बात की और इसके बाद ही पीड़ित का पिता अस्पताल जाने को राजी हुआ। इससे पहले ब्रजेश राठौर ने बताया कि पीड़िता के पिता की तबीयत ठीक नहीं है, हमने एक टीम भेजी थी जिसने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हालांकि वे अस्पताल नहीं जाना चाहते थे और इसलिए मैं उनकी बात सुनने गाँव आया था, लेकिन अब पीड़िता के पिता और माता दोनों को अस्पताल ले जाया जा रहा है ताकि तेजी से दोनों के स्वास्थ्य में रिकवरी हो सके। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।